नमस्कार, मैं रिंकू। आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर टी शर्ट में नजर आए। वहीं दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर AICC मुख्यालय पर पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर से टी शर्ट में नजर आए। उन्होंने टी शर्ट पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि टी शर्ट ही चल रही है और जब तक चल रही है चलेगा। चीन से कोलंबो के रास्ते होकर लौटी एक महिला और उसकी 6 साल की बेटी तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे पर जांच के दौरान कोविड-19 से संक्रमित पाई गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक मदुरई के पास विरुधु नगर की रहने वाली महिला और उसकी बेटी की मंगलवार को विमान से उतरने के बाद हवाई अड्डे पर RT-PCR की जांच की गई थी, जिसमें दोनों कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। दोनों को विरुधु नगर में उनके घर पर ही पृथकवास में रखा गया। उनके नमूने जांच के वास्ते जीनोम अनुक्रमण के लिए राजकीय प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ हालात बिगड़ चुके हैं। वहीं भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 188 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,77,647 पर पहुंच गई है। इलाज में चल रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 3,468 हो गई है। भारत में संक्रमण की दैनिक दर 0.14 जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.18% है। भारत में संक्रमण से अभी तक 5,30,696 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के अवसर पर AICC मुख्यालय पर पहुंचकर झंडा फहराया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मऊ में बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जमकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना कोपागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में मंगलवार रात करीब 9:30 बजे हुई। बताया जा रहा कि आग पहले चूल्हे से लगी थी, जिसके बाद मडई में आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 4,00,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की। RPSC पेपर लीक मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस को दर्जनों फर्जी डिग्री और मार्कशीट मिली है। इससे पता चलता है कि यह गिरोह बड़े पैमाने पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगा था। बताया जा रहा है कि इस गिरोह का नेटवर्क काफी बड़ा है और इसमें काफी ओहदे वाले लोग जुड़े हैं। जम्मू के सिद्रा इलाके में बुधवार को तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में कम से कम 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। जम्मू क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने बताया कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट सिद्रा बाईपास इलाके में तवी पुल के पास घने कोहरे के बीच सुबह करीब 7:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। अमेरिका के एरिजोना में एक दुखद घटना में एक महिला सहित भारतीय मूल के 3 नागरिकों की जमी हुई झील में गिरने से मौत हो गई। हादसा 26 दिसंबर को दोपहर 3:35 पर कोकोनिनो काउंटी में वुड्स घाटी झील में हुआ। झील में गिरकर मरने वाले लोगों की पहचान नारायण मुद्यन, गोकुल मेदिसेती और हरिता मुड्डाना के तौर पर हुई है। तीनों एरिजोना के चैंडलर के रहने वाले थे और मूल रूप से भारतीय थे। बम्बई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के आदेश पर रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनको बुधवार को जेल से बाहर आने की संभावना है। न्यायमूर्ति MS कानिक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 73 वर्षीय नेता को 12 दिसंबर को जमानत दी थी, लेकिन CBI ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगा था और अदालत ने आदेश पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी थी।
देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम 54 पैकेज में किया जा रहा है। दोनों राजधानियों के बीच की दूरी कम करने वाला यह बहुउद्देशीय एक्सप्रेसवे पर यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर 12 या 13 घंटे कर देगा। एक्सप्रेसवे देश की राष्ट्रीय और वित्तीय राजधानी के बीच की दूरी को 280 किलोमीटर कम कर देगा। पीएम मोदी ने 9 मार्च 2019 को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र 24 पर आगे की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।